नाउ अब तक इस पॉइंट तक हम ये बातें सीख चुके हैं कि एनडीपीएफसी में से हमें इनकम एक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस करना है ताकि प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ जाए डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, उसमें ये चार चीजें ऐड करनी है ताकि प्राइवेट इनकम आ जाए। और अगर नेशनल इनकम हमें ऑलरेडी गिवन होगा तो हमें एनफीफा ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी इस पॉइंट तक देख लिया है। अब ध्यान से देखिए ऑल ऑफ यू, सी इनकम एक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप, टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स या सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसके हम दो पार्ट्स डिफाइन करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिन डिपार्टमेंट और सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स हैं या गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, वो जितनी भी इनकम्स गवर्नमेंट के पास आती हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। और सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फॉर एग्जाम्पल LIC है। अब LIC जो भी कमा रहा है वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, वो पार्लियामेंट से पास एक कानून के तहत बनी हुई बॉडी है। एक LIC एक एक्ट है, एक कानून है जिसके तहत वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई है। तो ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वजह से नहीं है, गवर्नमेंट के कानून की वजह से एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया LIC, वो जितनी भी सेविंग्स करती हैं उन दोनों को ऐड करके हम निकालते हैं इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब एक चीज यहां पर आपको और सीखने की जरूरत है, आप अगर देखो तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है दो वर्ड्स में, प्राइवेट सेक्टर इनकम वर्सेस प्राइवेट इनकम। अब देखो यहां प्राइवेट सेक्टर इनकम है और यहां प्राइवेट इनकम है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ध्यान से देखिए। जब आप बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर इनकम की तो प्राइवेट सेक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम या सिर्फ और सिर्फ मैं बेटर वर्ड्स में बोलूं फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, जबकि प्राइवेट इनकम का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट इनकम की जब बात होती है तो वो फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम दोनों लेता है, जब आप प्राइवेट सेक्टर इनकम लिखते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर फैक्टर इनकम आती है प्राइवेट सेक्टर की। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को। प्राइवेट इनकम में से देखिए ये प्राइवेट इनकम का मतलब क्या है, आपने कहा टोटल इनकम अर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ने जितना टोटल इनकम अर्न किया। अब होगा क्या ध्यान से सुनिए, प्राइवेट सेक्टर जितना भी टोटल अर्न करता है उसका एक पार्ट उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो प्राइवेट इनकम में से एक पार्ट तो गवर्नमेंट के पास चला गया जिसको हम कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं या कॉरपोरेट टैक्स भी बोलते हैं, एक ही बात है। और एक पार्ट देखिए प्राइवेट सेक्टर जो भी कमाता है उसमें से एक पार्ट तो गवर्नमेंट को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जैसे प्राइवेट सेक्टर ने से 10 लाख रुपए कमाए तो 10 लाख में से 3 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, बचा कितना 7 लाख। उस 7 लाख में से कुछ अमाउंट बिजनेस में ही रखा जाता है कि कल दिन अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है या कल दिन ऑल ऑफ सडन हमें किसी पर्पज के लिए पैसे चाहिए तो बिजनेस में हर समय कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए होना चाहिए। तो 10 लाख कमाए, 3 लाख गवर्नमेंट को टैक्स जाना था दे दिया, 2 लाख रुपए हमने बिजनेस में रखा,
वो जो 2 लाख रुपए हमने बिजनेस में रखा उसको बेटा हम बोलते हैं रिजर्व्स, या हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, या उसको आप बोल सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो एक बात बताओ, 10 लाख में से 3 लाख टैक्स दे दिया, 2 लाख बिजनेस में रखा, तो 5 लाख जो है वो चला गया किसको? शेयर होल्डर्स को, जो ओनर्स थे, जो हाउस होल्ड्स थे उनके पास चला गया। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या हुई बेटा? दैट पार्ट ऑफ That part of private income, that part of private income which is transferred to households, private income का वो part जो households को मिलता है उसको बेटा हम क्या बोल देते हैं? Personal income, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे? देखो, जो हाउस होल्ड के पास पहुंचा वो भी सारा का सारा उनके पास खर्च करने के लिए नहीं है, उसमें से जो भी हाउस होल्ड को मिला उसमें से उनको एक तो कंपनी ने टैक्स दिया, अब जितना पोर्शन हाउस होल्ड के पास गया सैलरी की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, अब उनको उस पर टैक्स देना पड़ता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड, डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड। डायरेक्ट टैक्सेस पे करे किसने? हाउस होल्ड। सर दो बार टैक्स देना पड़ता है? जी हाँ, एक बार आपके बिजनेस को टैक्स देना पड़ता है, और जब वो पैसा सैलरी की फॉर्म में आपके एम्प्लॉयज के पास गया या मेरे पास, हमने अपने प्रॉफिट्स के फॉर्म में हम अपने घर ले गए, तो उस पर हमें इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स देना पड़ता है, हाउस होल्ड को टैक्स देना पड़ता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड। इसके बाद अभी भी जो पैसा बचा वो आपका नहीं है, बहुत परेशान करती है गवर्नमेंट, आपको छोटे मोटे टैक्सेस देने पड़ते हैं, जैसे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये जो देने पड़ते हैं ये भी आपको आपकी इनकम को कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं? कम करते हैं। तो आपने लिखा मिसलिनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उन्होंने जितनी मिसलिनियस रिसीट्स ली। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाउस टैक्स आप ले सकते हैं। तो इसके बाद जो पैसा बचता है वो अवेलेबल होता है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग विच इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज इक्वल टू पर्सनल कंजम्पशन प्लस पर्सनल सेविंग्स। मतलब वो इनकम जो आपके पास अवेलेबल है या तो कंजम्पशन करने के लिए या सेविंग्स करने के लिए, दैट इज व्हाट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज। तो बेसिकली अगर आपने सारी बातें देखी, देयर वाज द डोमेस्टिक इनकम, उसका एक पार्ट गवर्नमेंट का था तो जो माइनस कर दिया तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ गई। This is the private sector income जो उन्होंने कमाई है। उसमें non-factor incomes हमने 3 add करी, net current transfer from government, net current transfer from rest of the world and national debt interest, फिर NFIFA, ये तभी लेना है जब यहाँ NDP, अगर NNP है तो NFIFA नहीं लेना। private income आया, इसमें से minus किया corporation tax या corporate tax, private income मतलब private sector ने जो कमाया उसका वो part जो उन्होंने tax दिया, फिर कुछ part business में रखा, फिर ये जो आया ये वो पार्ट है प्राइवेट इनकम का जो हाउस होल्ड को मिला। हाउस होल्ड को जब मिला तो उन्होंने अपने लेवल पे टैक्स दिया, और ये क्या है जो म्युनिसिपैलिटी लोकल टैक्सेस लगाती है, दैट इज मिसलिनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो आपके पास आ गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विच इज पर्सनल कंजम्पशन प्लस पर्सनल सेविंग्स। तो आपने देखा पीडीआई निकालने का तरीका थोड़ा लेंदी है एज कम्पेयर टू नेशनल डिस्पोजेबल इनकम विच वॉज क्वाइट ईजी, दैट सिंपली एड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन GNP एट MP और NNP एट MP टू फाइंड आउट द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। बट
इट इज बिट ऑफ लेंथी. एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन करना है, देखिए एग्जाम में अगर आपसे कोई चीज पूछी जाती है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इसको क्वेश्चन करने में, वो क्या करें, सबसे पहले जाके ये पूरा एज इट इज लिख लें, पूरा एज इट इज लिख दें, और लिखने के बाद जो फिगर्स गिवन है वो पुट करना स्टार्ट कर दें. आपको एग्जाम में कैसे करना है इसका क्वेश्चन, जिनको दिक्कत आती है, जिनको याद नहीं रहता कब क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, कहते हैं सर समझ तो आ गया बट शायद याद रहे शायद याद ना रहे, तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ व्हाट दे हैव टू डू. एग्जाम में गए, सपोज प्राइवेट इनकम पूछी है, पीआई पूछा है, पीटीआई पूछा है, कुछ भी पूछा है, पूरा एज इट इज आपने लिख दिया, जो जो फिगर्स आपको दिख रही है वो आपने पुट कर दी, रेस्ट अपने आप आपको कंप्यूट होकर आ जाएंगे. चलिए एक बार ये फटाफट सारा का सारा नोट करिए, फिर हम इसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स कंसिडर करते हैं फास्ट.